का गांधी जी का दो मुहापन एक बार फिर से उजागर हुआ है। दोगलापन सामने भटसट चढ़कर बोलता है, जब खुद की घर की पार्टी के अंदर किस्सा आया, जब मेरे को न्याय दिलाने की बात आई तो यही प्रियंका गांधी जी है जो चुप्पी साध ली, उसके बाद ट्विटर से अनफॉलो खेल रही थी। आज वो कहती है आम आदमी पार्टी की बात घर की बात है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनके साथ में साथी है। इतनी एक्टिंग आप कर कैसे लेती है? प्रियंका गांधी जी का दो मुहापन एक बार फिर से उजागर हुआ है। लगातार वो कहती आई हैं कि मैं लड़कियों के साथ खड़ी हूँ, किसी भी पार्टी की लड़की के साथ खड़ी हूँ, लेकिन जब खुद के घर की बात आती है तो लंबी चुप्पी साध लेती है। अगर भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी में ऐसी कोई घटना आती है जहाँ पे महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोलती है, लेकिन दोगलापन सामने भटसट चढ़कर बोलता है, जब खुद की घर की पार्टी के अंदर किस्सा आया, जब मेरे को न्याय दिलाने की बात आई तो यही प्रियंका गांधी जी है जो चुप्पी साध ली और उसके बाद ट्विटर से अनफॉलो खेल रही थी। आज वो कहती है आम आदमी पार्टी की बात घर की बात है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनके साथ में साथी हैं, वो उनके साथ मिले हुए भ्रष्टाचारी लोग आज उनके साथी हैं तो वो चुप्पी साध रही हैं, क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं महिला के लिए खड़ी हो रही, कब तक ये दोगलापन चलता रहेगा? और बहुत ही शर्मसार करने वाला और असंवेदनशील बयान प्रियंका गांधी जी का सामने आया। असंवेदनशील तो वो थी ही, लेकिन आज उनके बयान भी सामने आ रहे हैं और मैं आज आप सबके द्वारा उनसे पूछना चाहती हूँ कि इतनी एक्टिंग आप कर कैसे लेती हैं? कितनी और एक्टिंग करेंगी, कितना और झूठ बोलेंगी कि आप महिलाओं के साथ खड़ी हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती है, जब सबसे ज़्यादा लड़कियों पर प्रहार आपकी ही टीम ने किया है और आपने ही सबसे ज़्यादा चुप्पी साधी है।